कोरोना काल की शुरुआत से ही हरियाणा के नुहू जिले में सुबह और शाम स्वास्थ्य विभाग नुहू द्वारा हेल्थ बुलेटिन जारी किया जा रहा था, लेकिन गुरुवार 6 अगस्त से अब स्वास्थ्य विभाग नुहू ने कोविड-19 बुलेटिन को दिन भर में एक बार जारी करने का फैसला लिया है। यह जानकारी जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार ने पत्रकारों को दी। डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि अब हरियाणा स्तर पर भी दिन भर में एक बार बुलेटिन जारी किया जा रहा है, जिसे फॉलो करते हुए नुहू जिले में भी अब दिन में एक बार ही बुलेटिन जारी होगा। जब इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों से की गई तो उन्होंने बताया कि एक बार बुलेटिन जारी करने के पीछे कोरोना केसों का लगातार बढ़ना है, जिसकी वजह से डॉक्टरों एवं स्टाफ को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। दो बार बुलेटिन जारी करने में ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए दिन में शाम के समय एक बार ही बुलेटिन जारी किया जाएगा। इससे स्टेट से लेकर जिले में भी कामकाज करने में सुविधाएँ रहेंगी। कुल मिलाकर कोरोना केसों के लगातार बढ़ने से अब सिस्टम में भी बदलाव आने लगेगा। तकरीबन 4-5 माह बाद अब बुलेटिन को दो बार की जगह दिन में एक बार जारी करने का निर्णय हो चुका है। कोरोना की वजह से दिन में आराम नहीं करने वाले कर्मचारियों और कोरोना योद्धाओं को कुछ राहत जरूर मिलेगी। आप देख रहे हैं नूह से लियाकत अली की रिपोर्ट। भी बुलेटिन सुबह और शाम दोनों टाइम होता था। पिछले लगभग एक या दो हफ्ते से राज्य स्तर पर भी शाम का ही बुलेटिन रखा गया है। इसमें मुझे जहाँ तक लगता है कि अब जो डाटा है और जो काम है, जो केसेस जिस तरह से आप देख रहे हैं, नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है काम, तो काम को देखते हुए ही सरकार ने या शायद स्वास्थ्य विभाग ने निर्णय लिया है कि बुलेटिन एक ही टाइम रखा जाए पूरे दिन में। तो हम भी शायद कल से बुलेटिन को एक ही समय रखें, जो शाम का समय रहेगा। इसका कोशिश रहेगी कि जितने दिन में जो हमका एक्टिविटी करते हैं, कितने केसेज आए, कितने सैंपल हुए, वो हम स्टेट को इन्फॉर्म करके और उसके बाद बुलेटिन 5 और 6 के बीच में हम रिलीज करेंगे। बाकी जिलों का तो मुझे पता नहीं, बट राज्य स्तर पर एक ही समय है और हम भी उसी को फॉलो करेंगे।